नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके कि शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब कि बदलाव होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें लगता है कि वो बीमार सी हो गई हैं। बहुत सारी महिलाओं को उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, मतलब कि जिम मिचलाता रहता है। और कुछ महिलाओं के साथ ये होता है कि उनके सर में दर्द होता है। और दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा काम भी करेंगी तो उन्हें थकावट होने लग जाएगा। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बहुत सारी महिलाओं के स्तनों में बदलाव होता है। नॉर्मली सभी महिलाओं के स्तनों में बदलाव होता है, तो आपको हल्का दर्द हो सकता है, हल्का सूजन आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके निप्पल का कलर भी चेंज होने लग जाएगा, जो कि मेलेनिन के कारण होता है। तो आपका निप्पल का कलर जो है पहले से ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी मोटी दिखने लग जाती हैं, बहुत हल्की सी। दोस्तों, जब आप गर्भ धारण कर लेती हो और आपका अंडा निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारी महिलाओं में जो हल्की फुल्की स्पॉटिंग देखने को भी मिलती है, हल्का रक्त का थक्का देखने को मिल सकता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और कई बार बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता भी नहीं है और कई बार आपको पता भी नहीं चलता। यदि आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, तो आपको उस समय थोड़ा बहुत दिखाई पड़ सकता है। और दोस्तों, इस समय एक पहचान और होता है कि इस समय आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है। तो कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है, कुछ महिलाओं के साथ नहीं होता। इस समय बहुत सारी महिलाओं को पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा ऐठन महसूस होता है, बहुत सारी महिलाओं को होता है, कुछ महिलाओं को नहीं होता। तो सब महिलाओं में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सारे लक्षण ही हो। जब आप प्रेग्नेंट होने लग जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो होता ये है कि आपका इस समय मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। तो आप समझ सकती हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कभी भी आप गुस्सा हो सकती हैं, कभी रोना स्टार्ट कर सकती हैं, और कभी भी आप हंसना स्टार्ट कर सकती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे होगा, लेकिन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका मेन कारण हार्मोन होता है। इस समय आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या होता है, आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपको बार बार यूरिन आता है। आप बार बार यूरिन करने जाते हो, मतलब ये कि आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, तो एक ये भी चेंजेस आते हैं। इस समय आपके खाने पीने में भी थोड़ा बदलाव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो कुछ महिलाओं को जो चीज़ पहले बिल्कुल खाने में पसंद नहीं था, वो चीज़ें वो खाना स्टार्ट कर देती हैं, और जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था वो खाना बंद कर देती हैं। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, कुछ महिलाओं को बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो इस तरीके के बदलाव आपके शरीर में होते हैं। दोस्तों, इस समय कुछ महिलाओं को सीने में बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत हो जाती है, तो आपको इसे टेंशन नहीं लेना, डॉक्टर से दिखाना है। तो वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कब्ज की शिकायत रहती है, लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपको कब्ज की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपका गर्भ प्रत्यारोपित होता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन लगातार और बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, और ठीक हो जाता है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। दोस्तों, देखिए, अब प्रेगनेंसी का पहला महीना तो होता है, लेकिन मेन बात यह है कि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली हम पता कब करते हैं, जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपकी प्रेगनेंसी का 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो चुका है, और उसके बाद आपको पीरियड नहीं आता, तब आप क्या करती हैं, जाती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आती हैं, चेक करती हैं, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो उस समय तक आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। तो पहले महीने में ये सभी बदलाव होते हैं, जो कि आप नोटिस करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और दोस्तों, देखिए, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नोटिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों, पीरियड के दौरान ही आप प्रेग्नेंट नहीं होती हो, पीरियड के कुछ दिनों के बाद जो आपको ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मतलब होता है कि आपके अंडाशय में एक पका हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, और जब वो शुक्राणु से मिल जाता है, उसके बाद जो है आपका भ्रूण तैयार होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसमें कुछ टाइम लग जाता है।
तो कुल मिला के मेन बात यही है कि आपको जब पता चलता है तो आप दूसरे महीने में प्रवेश कर चुकी होती हैं, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगी तो शायद आप अंदाज़ा लगा पाएंगी। बाकी दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।